Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohit and you are watching Digital Mohit. बहुत ही बढ़िया वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं, जिसका नाम है हाइड सब्सक्राइबर. अब मैं ये वीडियो में ये क्यों बता रहा हूं कि हाइड सब्सक्राइबर आपको करना चाहिए. अगर आप एक नए क्रिएटर है, अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर आप इनिशियली अगर आपने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, तो आपको पता होगा आपके सब्सक्राइबर कितने कम होते हैं. 1, 2, 50, 10, 20, 30 सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं. तो अगर आपने सब्सक्राइबर हाइड नहीं किए तो जो भी आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे तो उसमें से आपको बहुत कम सब्सक्राइबर मिलने के चांसेस है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर मान के चले कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा नहीं, अगर मैं किसी का चैनल देखता हूँ, किसी का चैनल है जिस जो वीडियो बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है, उसके 50 सब्सक्राइबर मैंने देख लिया कि उसके 50 सब्सक्राइबर, उसका वीडियो काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन कम सब्सक्राइबर होने की वजह से मैंने उसको सब्सक्राइब नहीं किया. ऐसे बहुत से लोग करते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि यार ये अच्छा क्रिएटर नहीं है, इतना वीडियो तो बना रहा है, ठीक है, वीडियो तो बना रहा है, लेकिन जो उसके कंटेंट है उसमें दम नहीं होगा. ऐसा लोग थिंकिंग करते हैं कि इसके चैनल पे कम सब्सक्राइबर है, मतलब ये अच्छा क्रिएटर नहीं है, तो जिसके कारण बाकी लोग भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे. तो आपको पता होगा मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर का, 4000 सब्स का वॉच टाइम. तो आप अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही यूजफुल सेटिंग है. अगर आप सब्सक्राइबर हाइड नहीं करोगे तो आपको लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे. अगर आप सब्सक्राइबर हाइड करके रखोगे, कब तक, आपको 1000 सब्सक्राइबर तक अपने सब्सक्राइबर हाइड करके रखना है. ये ट्रिक मैंने भी फॉलो की थी. मैंने भी अपने चैनल पे इनिशियली 1 से 2 महीने हाइड नहीं किया था, बट मुझे जैसे पता चला कि हाइड करना चाहिए तो मैंने हाइड कर दिया और मेरे विद इन 3 महीने पे मेरे सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर हो गए. तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करना है, ताकि आप भी अपने चैनल के सब्सक्राइबर गेन कर सको. तो गाइस, वीडियो में बने रहिए और वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे. आप इस ट्रिक को अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी फॉलो कर सकते हो. तो गाइस, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे. तो गाइज आपके अगर इनिशियली कम सब्सक्राइबर होंगे तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो, इस सेटिंग को अनेबल कर सकते हो. अभी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे 1.36K सब्सक्राइबर है, तो अभी मैंने इसको अनहाइड करके रखा है. अभी मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो आपको क्या करना है, आपकी यूट्यूब स्टोर पे चले जाना है. आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो, क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना अपने चैनल को और यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग में. यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा चैनल का ऑप्शन, आपको चैनल में चले जाना है. उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग का. इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले सब्सक्राइबर काउंट, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो आपको इस चेक बॉक्स को डिसेबल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आपको राइट हटाना पड़ेगा और इसको सेव कर देना पड़ेगा. इससे क्या होगा, आपके चैनल के सारे सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर काउंट हाइड हो जाएगा, जिसके कारण अगर कोई भी आपके चैनल पे विजिट करता है तो आपको सब्सक्राइब करने के चांसेस ज्यादा होते हैं. इस चीज को आप फॉलो करके देखना, आप 1 से 2 महीने 3 महीने इसको ट्राई करके देखना. अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो आप देखना कि इस ट्रिक से आपके कैसे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं. अगर नहीं बढ़े तो आप इसको हटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं हटा सकते. अभी आप देख सकते हो मेरा चैनल पे, अभी मैंने इसको अनेबल कर दिया. मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ चैनल को. तो अभी आप देख सकते हो मेरे चैनल के नीचे सब्सक्राइबर नहीं दिख रहे, बिकॉज़ हमने अभी सब्सक्राइबर को हाइड करके रखा है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर मैंने हाइड करके रखे. तो इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हो अपने चैनल के लिए. अगर आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करना है, अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल अनेबल करिए, 100% अनेबल करिए जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर ना हो. मैंने बताया स्टार्टिंग में, अगर कोई नया क्रिएटर है तो उसको ये चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर आप ये नहीं करते तो आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, कम सब्सक्राइबर देख के ही लोग आपको सब्सक्राइबर नहीं करेंगे. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अगर आपके चैनल पे कम सब्सक्राइबर है तो आप जरूर इस सेटिंग को अनेबल करिए और अपने सब्सक्राइबर इनिशियली 1000 सब्सक्राइबर तक हाइड करके रखिए. जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर ना हो तब तक इस सेटिंग को अनेबल रहने दीजिए, आपके सब्सक्राइबर हाइड रहने दीजिए. जैसे कंप्लीट हो जाता है आप इसको डिसेबल कर सकते हो, तो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर दिखेंगे. तो आई होप गाइस इस सेटिंग को आप यूज करोगे अपने चैनल पे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे. तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे. थैंक यू गाइस.